देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है आज की मॉर्निंग न्यूज का। मॉर्निंग न्यूज में हम आपको बताएंगे आज पूरे दिन की 10 बड़ी खबरें और जानेंगे कैसा रहेगा आज तापमान। तो इसी के साथ शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर आज यानी 23 अक्टूबर को कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और रूस के शहर कजान में बुलाए गए नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी पिच पर डेब्यू करने जा रहे हैं। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जो उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छोड़ने के बाद खाली हुई है। बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन आज यानी 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी। जल संसाधन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज यानी 23 अक्टूबर को घाटशिला विधानसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बता दें कि नॉमिनेशन के पूर्व मऊ भंडार स्थित 4 बत्ती आम्बेडकर चौक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी विंग्स के पदाधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे। गया और लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच एक नई ट्रेन गया लोकमान्य तिलक गया एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू करने जा रही है। बता दें कि ये ट्रेन गया से आज यानी 23 अक्टूबर से प्रत्येक बुधवार को और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 25 अक्टूबर 2024 से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। राज्य सरकार द्वारा आज यानी 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित होने वाला 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगा। बता दें कि इस कॉन्क्लेव से रीवा और आसपास के क्षेत्र में निवेश आने से औद्योगिक परिदृश्य और अधिक विस्तृत होगा। योगी सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रहे हैं। बता दें कि किसान आज यानी 23 अक्टूबर तक www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के लिए 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक की बुकिंग राशि निर्धारित की गई है। जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर कमल देव यादव ने बताया कि केंद्र प्रायोजित नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं को फुट एंड माउथ संक्रामक रोग से बचाव को लेकर आज यानी 23 अक्टूबर से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पूर्णिया समशिक्षा व्यवस्था को लागू करने व संगठन के अन्य मांगों को लेकर जिला अर्जक संघ आज यानी 23 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन करेगा। बता दें कि संगठन के जिलाध्यक्ष सियाराम महतो ने बताया कि धरना प्रदर्शन दिन के 12 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया गया है। भीलवाड़ा नगर माहेश्वरी सभा द्वारा श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की योजनाओं के अंतर्गत माहेश्वरी महिलाओं में निशुल्क सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ आज यानी 23 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे सोनी हॉस्पिटल में किया जाएगा। IMD के अनुसार आज यानी 23 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, खूंटी रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका में देखने को मिलेगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था आज के दिन, जानेंगे आज के इतिहास से। आज के दिन सन 1764 में मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ था। आज के दिन सन 1910 में ब्लांच एस्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। आज के दिन 1979 में भारतीय डबल ट्रिप निशानेबाज रंजन सोढ़ी का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1989 में हंगरी ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया था। आज के दिन सन 2021 में भारतीय अभिनेत्री मीनू मुमताज का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।